नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन्होंने बताया कि रेलवे की जो एग्जाम होने वाली है टेक्नीशियन और ALP की, इसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पहले रेलवे ने इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था, तो स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन में थे और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते थे इस बात को लेकर कि कितने मैथ्स पूछे जाएंगे, कितने रीजनिंग और कितने जनरल साइंस और कितने करेंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में आपको पूरी बातें बताऊंगा कि कितने किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है RRB बेंगलोर की वेबसाइट और सारे जितने भी RRB हैं उनके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये नोटिस जरूर मिल जाएगी। ये इस नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक नोटिस है, नोटिस ऑन सेक्शन वाइज मार्क्स ऑफ स्टेज वन एग्जाम CBT, यानी कि स्टेज वन का जो एग्जाम होता है, एग्जाम होने वाला है 9 अगस्त से, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे इसके बारे में उन्होंने कहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। उस नोटिस को डाउनलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, देखिए हो रहा है, ये वो नोटिस डाउनलोड हो चुका है। इस नोटिस को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह से PDF ओपन होगा। इस PDF में उन्होंने क्लियरली लिख रहा है कि क्वेश्चन जो होंगे उनका जो सोल्व करने का टाइम होगा वो 60 मिनट ही होगा और PW कैंडिडेट के लिए 80 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आपके होने वाला है, यानी कि 75 क्वेश्चन 60 मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं। इसकी जो लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा करके इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नहीं होते हैं, आप आसानी से इसे कर लो। जिन लोगों को SSC एग्जाम देने की प्रैक्टिस हो है, या तो MTS, CCGL या फिर CGSL, कोई भी एग्जाम अगर आपने SSC का दिया है या फिर बैंकिंग का भी दिया है, तो आप इस एग्जाम को आसानी से टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही कर ही सकते हो, इसमें कोई दुराई नहीं है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का रेशियो भी काफ़ी एक अच्छा इन्होंने दिया है कि जनरल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने रीजनिंग से लिया है 25 क्वेश्चन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। रीजनिंग में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं रेलवे में, जैसा मैंने देखा है अब तक का पैटर्न, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। आपको अब टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको जब मॉक टेस्ट, जब आप अभी से मुझे लगता है कि आपको 8-10 मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए और उन मॉक टेस्ट में आप डिसाइड करो कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर। फिर मैं बाद में आपको बताऊँगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ में मास्टरी आपको खुद से हासिल अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर मैं आपको बता दूंगा तो ये आपको लगेगा कि हाँ उन्होंने बताया तो मैं कर लेता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उस चीज़ में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको खुद से ही ये करना है कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, जिस चीज़ में आप काफ़ी बेहतर हो उस सब्जेक्ट को आप पहले करो। ऐसे मैं जब भी एग्जाम होता है तो मैं पहले रीजनिंग करता हूँ, उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स करता हूँ, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो आप अपने में देखो कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, फिर आप आगे बढ़ो। मैं बस ये बता रहा था, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।